केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को लेकर कई प्रण लिए थे। कहा गया था कि सरकार मैली गंगा को साफ करके ही दम लेगी। इसके लिए नमामि गंगे नाम से परियोजना का शुभारंभ भी हो गया। इतना ही नहीं, गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परिषद की आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। इसका खुलासा RTI से हुआ है। PM मोदी खुद को माँ गंगा का बेटा बताते हैं। माँ गंगा की सफाई के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गंगा की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जी हाँ, ये सच है और इस सच का खुलासा हुआ है एक RTI से। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PM मोदी ने अधिकारियों से कहकर इस पर करोड़ों रुपया खर्च तो करवा दिया, लेकिन सामने आकर माँ गंगा पर ध्यान तक नहीं दिया। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत ये पता चला है कि गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद बनाई गई थी। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय गंगा परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई है, जबकि ये जरूरी है कि साल में कम से कम एक बार इस समिति की बैठक PM की अध्यक्षता में संपन्न हो, क्योंकि PM खुद इस समिति के अध्यक्ष हैं। गंगा नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया था। इस दौरान एक अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि NCG साल में कम से कम एक या इससे अधिक बार बैठकें कर सकती हैं, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हो सका। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गंगा परिषद को पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका विघटन कर दिया और खुद इसके अध्यक्ष बन बैठे। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनकी तरफ से कोई बैठक तक नहीं बुलाई गई। इसके बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या PM मोदी का माँ गंगा प्रेम झूठा है? क्या PM गंगा सफाई का ढोंग रचते हैं? DB Live की रिपोर्ट।